हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपके हमारे एक नए वीडियो में। तो जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देख ही लिया है कि मैंने अपनी गाड़ी में BMW 1000 RR की रैपिंग कराई है और इसका मॉडिफिकेशन अभी अधूरा है। तो वही अभी मैं इसको धीरे धीरे कंप्लीट करा रहा हूँ। एकदम से कराने के लिए मेरे को गाड़ी वहाँ छोड़ना पड़ेगा और मैं डेली यूज़ के लिए गाड़ी यूज़ करता हूँ, तो फिर मैं गाड़ी छोड़ के नहीं रख सकता। इसलिए मैं धीरे धीरे करा रहा हूँ। मेरी रैपिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है और अभी मैं जा रहा हूँ इसमें मिरर लगवाने के लिए वाला। एक मिरर मैंने परचेस करके रख दिया, बस इसको इंस्टॉल कराना है। बस वही जाऊँगा, लगवाऊँगा, फिर भाई इसका लुक आपको दिखाऊँगी कैसा आ रहा है। भाई खतरनाक लुक इसका आने वाला है, क्योंकि डायरेक्टर वाले मिरर में भाई इंडिकेटर लगा हुआ है, तो भाई उसका लुक बहुत ही आसान आता है। सुपर बाइक का फील पूरा आ जाएगा उसमें। और फिर इसका एग्जॉस्ट बचेगा जो कि हमको लगवाने का रहा है, तो फुल सिस्टम एग्जॉस्ट मैंने वो भी परचेस करके रख लिया है, बस उसको जाके इंस्टॉल कराना है। तो भाई वीडियो पे बने रहो ताकि आपको एक के बाद एक वीडियो आपकी इसकी मिलती रहेगी मॉडिफिकेशंस की। और भाई अपन राइट पे ही चलेंगे, उसकी वीडियो भी आपको बहुत जल्द ही मिलेगी और रिएक्शन आपको बहुत सारे मिलेंगे इसके, क्योंकि अभी गाड़ी मॉडिफिकेशन चल रहा है। अभी जब इसकी कंप्लीट हो जाएगी उसके भाई इसका रिएक्शन वीडियो शूट करे जाएंगे पब्लिक प्लेस में, तो फिर वहाँ इसका रिएक्शन देखेंगे रायपुर की सिटी के अंदर की पब्लिक का क्या रिएक्शन रहता है। तो ये रायपुर की फर्स्ट बाइक होगी जिस पे BMW 1000 RR का मॉडिफिकेशन हुआ है, वो भी फुल मॉडिफिकेशन हुआ है और इसमें एग्जॉस्ट वगैरह पूरा लग जाएगा। तो फिर भाई लुक वही आएगी, लोग पहचान नहीं पाएंगे कि गाड़ी कौन सी है। अभी भी कुछ लोग देखते हैं तो लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई ये कौन सी गाड़ी है, और रिएक्शन तो आप लोग देख ही रहे हो अभी भी कैसे आ रहे हैं। फिलहाल मैं ट्रक देख लूँ, रिएक्शन देखने के चक्कर में ट्रक पर नहीं चिपक जाए गाड़ी। तो फिलहाल आज की वीडियो कंटिन्यू करते हैं और मॉडिफिकेशन कंप्लीट कराने जाते हैं। भाई जो देख रहा है बस देखते ही रहा है कि भाई गाड़ी कौन सी है, क्योंकि वो समझ नहीं आ रहा कि R15 है, क्योंकि BMW के टाइम पर पूरी रैप हो चुकी है और वाइट कलर में R15 आती है, R15M, जो कि ऐसा तो नहीं लगता है। तो भाई लोग कन्फ्यूज है। तो भाई अभी अपन जा रहे हैं ग्राफिक पॉइंट अपने JDAF 10R मेरा इंस्टॉल कराने। तो फिलहाल अपन पहुंचने वाले थोड़ी दूर में है सामने, और फिर अपनी गाड़ी का लुक इन्हेंस हो जाएगा बहुत ज़्यादा, फिर अपना एक जॉस बस बचेगा, फिर गाड़ी का मॉडिफिकेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले आज मिरर लगवा लेते, फिर एक जॉस का देखते हैं। अपने परचेस करके रख लिया घर पर, अभी उसको लाते ही मतलब उसको घर के पास ही कहीं इंस्टॉल कराना पड़ेगा, क्योंकि उसको लाने ले जाने में बहुत दिक्कत होगा, बहुत भारी है और बहुत बड़ा भी है। तो फिलहाल अभी मिरर इंस्टॉल कराते हैं, तो उसके लिए ड्रिल करना पड़ेगा, इसलिए अपन ग्राफिक पॉइंट आ रहे हैं। तो घर पे मैं इंस्टॉल कर लेते इसको, तो बट ड्रिल मशीन मेरे पास नहीं है और परफेक्ट ड्रिल कराने के लिए किसी के पास तो लेके जाना पड़ेगा, इसलिए मैं ग्राफिक पॉइंट लेके जा रहा हूँ ताकि वो लोग ड्रिल वगैरह सही से करें और कुछ नुकसान ना हो। तो चलो चलते आगे से, राइट में है ग्राफिक पॉइंट। तो गाइस फिलहाल अपन पहुंच चुके हैं ग्राफिक पॉइंट द बाइक डॉक्टर, तो यहाँ पर अपना काम हो जाएगा। तो फिलहाल अभी यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियों का काम चल रहा है, पर लगता है अपने को थोड़ा वेट करना पड़ेगा अपनी गाड़ी के लिए, और थोड़ा टाइम तो ही लगेगा क्योंकि मिरर पूरा रेडी है, बस यहाँ पर बस ड्रिल करेगा वायर के लिए दोनों साइड और फिर इसका वायर अंदर हो जाएगा और यहीं पे लग जाएगा फिर मिरर। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगर ये लोग करेंगे तो तुरंत हो जाएगा, और अगर दूसरी गाड़ी नहीं छोड़ेंगे उसको कंप्लीट करेंगे तो वेट करना पड़ेगा अपने को। फिलहाल वेट करते हैं थोड़ा, फिर मिलते हैं। मार दो ना। तो गाइस ये है अपने मिरर जिनको इंस्टॉल करना है, क्यों गिर रहा है भाई? भाई अपने JDAF 10R वाले मिरर जो स्मोक ब्लैक में रैप हुआ है, और अपना ड्रिल हो चुका है कंप्लीट, यहाँ पे एक छेद और यहाँ पे एक छेद, तो अब इसको इंस्टॉल करते हैं। तो फिलहाल पहले रबर लगाते हैं, रबर लग चुका है।
इसके ऊपर लगेगा मिरर, नहीं सॉरी, इसके ऊपर लगेगा पहले नंबर प्लेट, नंबर प्लेट लगेगा उसके ऊपर लगेगा मिरर। तो ये आ गया अपना नंबर प्लेट। तो फाइनली जैसे तैसे अपना मिरर इंस्टॉल हो चुका है अपने से, बहुत मेहनत लगी बट हो गया फाइनली। और अब इसका वायरिंग का काम बचा है, जो कि ये वायर है इसको अंदर डालना, इंडिकेटर के वायर से कनेक्ट करना। तो इसको पहले बाहर निकालते हैं लॉक पेज को, और इसके बाद इस वायर अंदर लगाएंगे। इसको बाहर निकालते हैं, निकल गया। फिलहाल बाहर निकल चुका है वायरिंग का। हाँ नहीं नहीं यहीं पे आगे खोल रहा हूँ इसका वायरिंग, यहाँ पे जाएगा। हाँ नहीं हाँ, ये तो फिलहाल अब इसको ओपन करते हैं। मैं निकल नहीं रहा, मैं पहले निकाल लेता हूँ और इसकी वायरिंग कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि कैसा आ रहा है इसका लुक। फिलहाल मैं इस पर लगता हूँ। तो गाइस फाइनली बड़ी मुश्किल से पूरा इंस्टॉल हो चुका है, और अब चलते हैं और आपको इसका फाइनल लुक दिखाता हूँ मैं, और यहाँ पर अच्छे से वीडियो बनाते ही मिल रही। तो फिलहाल आगे चलते हैं और कहीं रुकते हैं, फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाता हूँ मैं, इसका लुक कैसा आ रहा है। तो फिलहाल भाई यहाँ से निकलते हैं, और अपना काम फाइनली कंप्लीट हुआ। और गाइस मिरर थोड़े गंदे, साफ करना पड़ेगा। भाई एक और BMW मॉडिफाई वाली पड़ी यहाँ पर वॉशिंग के लिए। भाई तो फिलहाल अपन चलते हैं और आपको इसका फाइनल लुक दिखाता हूँ मैं। तो गाइस अपना बस अब एक जॉब्स भी बचा है, फिर अपनी गाड़ी फुल्ली मॉडिफाइड हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी इसका मॉडिफिकेशन BMW का, और फिर इसका फाइनल लुक निकलेगा आप लोगों के सामने। तो फिलहाल अभी चलते हैं, मिरर का एक शॉट लेना है मेरे को, उसके बाद फिर वीडियो ख़त्म करते हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो होगी इसका एग्जॉस्ट के ऊपर। तो इसका एग्जॉस्ट देखना कौन सा लगा रहा हूँ मैं, और कैसा उसका साउंड रहेगा। भाई अपनी सुपर बाइक रेडी है, और न्यू ईयर में इसको लॉन्च करेंगे, ऐसी 2 ही दिन बचे न्यू ईयर के लिए। तो चलो चलते हैं, न्यू ईयर धमाका करते हैं अपना। बस जॉस कर मिल जाए अपने, तो गाइस इसका फाइनल लुक देख सकते हो कुछ ऐसा आ रहा है। और भाई चारों इंडिकेटर कहीं ऑसम लग रहा है, इस साइड से देख सकते हो और इस साइड से भी देख लो कैसा आ रहा है। भाई ये मिरर कहीं ऑसम लग रहा है, इसमें मैंने स्मोक ब्लैक करा दिया इसका, ये ज़्यादा वाइट लग रहा था ना, इसको पूरा मैंने स्मोक ब्लैक करा दिया, तो उसकी लुक और इन्हेंस हो चुकी है। और अब फिलहाल ये इसका फाइनल लुक है मिरर के लिए, और अब बचा इसका एग्जॉस्ट जो कि लग जाएगा बहुत जल्द ही, फिर इसका साउंड भी मस्त हो जाएगा। तो फिलहाल आज का वीडियो यहीं तक, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय।